नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। गाजीपुर में स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने एक निजी अस्पताल पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान टीम को मौके पर जो डॉक्टर मिले उनके नाम पर हॉस्पिटल का लाइसेंस था ही नहीं। जिले के ACMO डॉक्टर तपन शर्मा ने कहा कि आम जनता के द्वारा काशीपुर में मुरादाबाद रोड स्थित हिंद हॉस्पिटल में अनियमितता की शिकायतें उच्च अधिकारियों को प्राप्त हो रही थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए एक संयुक्त टीम गठित की गई। संयुक्त टीम ने SMO के अलावा जिला आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर, होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी, नायब तहसीलदार तथा पुलिस प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे। टीम ने अस्पताल से आयुर्वेद, एलोपैथी, होम्योपैथी आदि की दवाइयां बरामद की हैं। सरोवर नगरी नैनीताल जनपद के हल्द्वानी में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून जाने से पहले कालीचौड़ मंदिर में पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। यहां बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री धामी का धार्मिक स्थलों में अधिक योगदान रहता है। कहीं भी जनपद में अगर मंदिर आदि मिलते हैं तो मुख्यमंत्री जरूर पहुंचकर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हैं। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की और उनकी समस्याओं को भी सुना। प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ विधायक, मेयर और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। पीलीभीत शहर में सुन्नी और देवबंदी मुसलमानों में विवाद हो गया। प्रसिद्ध शाहजी बाबा के मजार को मानने ना मानने पर ये विवाद हुआ है। विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर मारपिटाई हुई है। मारपिटाई के बाद फायरिंग हुई। फायरिंग में सुन्नी पक्ष के लोग बाल बाल बच गए। सूचना पर मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंच गया। शहर कोतवाली इलाके के शेर मोहम्मद मोहल्ला स्थित मद्दे की पुलिया का ये पूरा मामला। पुलिस अधीक्षक कमेटी इलामारन द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन एमबीटी में शुक्रवार के परेड की सलामी ली गई। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुलिस लाइन में क्वार्टर गार्ड, परिवहन शाखा, स्टोर, कैश, मेस, बैरक आदि के साफ सफाई रख रखाव का निरीक्षण कर प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन मैनेजर दुबे को साफ सफाई और अन्य आवश्यक आदेश निर्देश दिए हैं। और इस मौके पर क्षेत्र अधिकारी पुलिस लाइन मयंक द्विवेदी और अन्य अधिकारी कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। एटा के मलावन थाने के जलालपुर स्थल में दो पक्षों में अंधाधुंध फायरिंग से हड़कंप मच गया। ताबड़तोड़ फायरिंग होने से गांव में अफरा तफरी का माहौल देखने के लिए मिला। अंधाधुंध ताबड़तोड़ फायरिंग में एक युवक के गोली लग गई। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे मेडिकल कॉलेज भेजा गया। ताबड़तोड़ फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। सहारनपुर में बीते दिनों नुपुर शर्मा के खिलाफ धरना प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तार किए गए 9 युवकों को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। वहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुरादाबाद जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बताया कि सहारनपुर में नुपुर शर्मा के खिलाफ धरना प्रदर्शन में 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनकी पिटाई की थी। वहीं पिटाई के बाद उनकी वीडियो भी वायरल की थी। हालांकि कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। वहीं उन्होंने इस प्रकरण में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बिलखवा पुलिस और SOG की शुक्रवार की सुबह हथियारबंद बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने घायल सहित दो बदमाशों को धर दबोचा है। ये दोनों बदमाश थाना बिलखवा क्षेत्र में 30 जून को एक शराब की बिक्री के पैसे को इकट्ठा करने वाले कलेक्शन एजेंट से लूट और गार्ड से बंदूक लूटने के मामले में लगातार वांछित चल रहे थे। अलीगढ़ के रेलवे स्टेशन का भोजनालय लंबे समय से बंद है, जिसकी वजह से यात्रियों को सस्ता भोजन नहीं मिल पा रहा है। यात्री भोजन की तलाश में इधर उधर भटकने के लिए मजबूर हैं। कोरोना संक्रमण काल के बाद से करीब 15 माह से IRCTC यानी कि भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम ने प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खुले भोजन को पूरी तरह से बंद कर दिया है। सहारनपुर में बाढ़ की स्थिति से निपटने को पुलिस और प्रशासन द्वारा कलसिया नहर पर मॉक ड्रिल का कार्यक्रम किया गया। इस दौरान नहर में डूबे हुए 2 लोगों और 2 गांव को बचाया गया है। अपर जिलाधिकारी राजस्व रजनीश कुमार ने बताया कि हथनीकुंड बैराज पर बनाई गई बाढ़ राहत चौकी से जिला कंट्रोल रूम पर सूचना मिली कि हथनीकुंड बैराज पर जलस्तर बढ़ने से छोड़े गए पानी के कारण क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्होंने जिला कंट्रोल रूम को लगभग 9:30 बजे बताया कि यमुना नहर के किनारे बसे एक गाँव में 2 युवक नहर में डूबे गए हैं, जिसकी वजह से
ग्रामीण परेशान हैं और लगातार उन्हें निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद कार्रवाई की गई। कार्रवाई करके दोनों युवकों को बाहर निकाला गया है। राहत चौकियां बनाई गई हैं ताकि बाढ़ के समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा किया जा सके और सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जा सके। फिरोजाबाद में पिछले 3 महीनों से पानी की किल्लत से जूझ रहे कच्चा टूंगला के बाशिंदों ने थाने के सामने स्टेशन रोड पर बैठकर जाम लगाकर जमकर हंगामा किया। वहीं पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर कड़ी मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया है। बस्ती जिले के पैकवालिया थाने के परसा तिराहे पर 2 अंतर जनपदीय गांजा तस्करों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। पकड़े गए गांजा तस्कर चंद्रेश कुमार और झिंकन के पास से करीब 21 किलो गांजा और 2 बाइक पुलिस ने बरामद की है। पकड़े गए गांजे की मार्केट में कीमत लगभग 12 लाख रुपए बताई जा रही है। मॉनसून को देखते हुए हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने जिले में अग्रिम आदेशों तक खनन पर रोक लगाई हुई है। बावजूद इसके जिले में अवैध खनन जोरों शोरों पर है, उसी क्रम में लक्सर एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने अवैध खनन परिवहन पर कार्रवाई करते हुए अवैध खनन से लदे 3 डंपरों सहित 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियां सीज कर दी है। साथ ही उन्होंने बताया कि एक पकड़े गए वाहन को एक व्यक्ति के द्वारा जबरन ले जाया जा रहा था, जिसको पुलिस को सूचना देने के बाद दोबारा कब्जे में ले लिया गया है। अमरोहा कलेक्टर सभागार में दुल अजहा को लेकर हिंदू मुस्लिम समुदाय के धर्म प्रचारकों की बैठक हुई। बता दें कि अमरोहा के कलेक्टर सभागार में ईद उल अजहा के त्यौहार को लेकर डीएमबी के त्रिपाठी और एसपी आदित्य ने हिंदू मुस्लिम समुदाय के धर्म प्रचारकों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने सभी लोगों से अनुरोध किया है कि आगामी त्यौहार पर शांति व्यवस्था स्थापित करें। कुर्बानी को लेकर जो नियम है उसी के हिसाब से कुर्बानी की जाए, खुले में कुर्बानी ना की जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में शहर और जनपद का माहौल खराब नहीं होना चाहिए, नहीं तो लोगों को मजबूरन कड़ी कार्रवाई अमल में लानी होगी। डीएमएसएसपी दोनों ने कड़ाई से निर्देश दिया है कि शांति व्यवस्था जो भी लोग भंग करेंगे उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया के साथ।